नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देहरादून से। कुछ बोलेंगी चारों की मम्मी? नमस्ते दोस्तों। तो हम लोग इस टाइम देहरादून में हैं और सुबह का टाइम है, लेकिन देहरादून की गर्मी जो है इस बार गर्म हो गया देहरादून बहुत ज़्यादा है। हालांकि सुबह एसी नहीं चल रहे हैं, पंखे नहीं चल रहे हैं, लेकिन दिन में काफ़ी गर्म हो जाता है, 38-47 तक हो रहा है। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं बारिश होगी जल्दी ही। तो हम लोग आ गए थे मुक्तेश्वर से देहरादून, चूँकि महीने में एक बार ही आना ही होता है, काफ़ी काम रहते हैं यहाँ भी। और ये हमारी छोटी सी बालकनी है, फ्लैट है, आपको दिखाते हैं। और यहाँ से हमारी नदी का आपको दृश्य दिखाते हैं। सूर्य भी इस टाइम धुंधली हो रखी कुछ। हाँ, एकदम धुंधली है। तो चलिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ बालकनी से व्यू आपको मसूरी का, नदी का। और फिर अपने आज आपको दिनचर्या दिखाते हैं हमारी क्या रहती है। अभी चारों की मम्मी तो बना रही नाश्ता। तो दोस्तों, ये हमारी छोटी सी बालकनी है, इसमें चारों की मम्मी को प्लांट लगाती रहती हैं, इसमें मेंटेन करती हैं, देखती रहती हैं। यहाँ का स्टाफ है नरेश, वो काफ़ी देखभाल करते हैं पौधों की, पानी वानी देते हैं। सामने मसूरी की पहाड़ियाँ, आज कोहरा लगा है मसूरी में। और ये हमारी नदी है जो 2 महीने लगभग सूखी रहती है। अब जून लास्ट में इसमें पानी शुरू हो जाएगा जैसी बारिशें शुरू होंगी। और अभी देहरादून का टेम्परेचर है शायद 28 डिग्री इस समय। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं देहरादून में हमारी लाइफ कैसी रहती है। हाँ जी, क्या बन रहा है? और चारों मम्मी किचन में एज यूजुअल जो रहती है वहाँ भी, क्या बना रही हो आज? अजवाइनी अरबी बन रही है, क्योंकि अरबी वहाँ पे मतलब अच्छी क्वालिटी की नहीं आती है। हाँ, अरबी हमारे लिए स्पेशल वो है यहाँ, तो बना रही है इसको। अभी सीजन भी आ गया अरबी का, अरबी बन रही है आज घर में। और क्या है अरबी के साथ? पराठा रोटी जो भी खाना चाहोगे। चलिए मैं थोड़ा सा दूसरी बालकनी दिखाता हूँ। ओ, निक्कू उड़ गई है। उड़ गया बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ। ये निक्की का रूम है। मैं उसमें चला रही हूँ गाने। ओके, निक्की गाने चला रही हूँ। निक्की के रूम से भी बहुत अच्छा व्यू आता है मसूरी का। और हम आपको दिखाते हैं जो हमारी छोटी बालकनी, हम उसे बोलते हैं कि छोटी बालकनी में हमारा यहाँ से कैसा व्यू आता है मसूरी का। और ये हमारी छोटी बालकनी है, यहाँ से मसूरी का बहुत ही सुंदर व्यू आता है। ये हम लोगों ने जाल लगाया हुआ है, क्योंकि कबूतर यहाँ बहुत परेशान करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर आपको मिलते हैं नाश्ते में। तो आज दिखाते हैं हमारी दिनचर्या। हाँ, आज डॉक्टर के भी तो जाना है भाई। हाँ, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, डॉक्टर का तो सुबह अपॉइंटमेंट लिया हुआ, इसीलिए कि दिन में धूप हो जाती है बहुत ज्यादा। दिखाओ हाथ अपने इनको। एक्चुअली वहाँ रामगढ़ में हाथों में थोड़ी एलर्जी हो जाती है ठंडे पानी से, तो उसे स्किन के अभी ट्रीटमेंट चल ही रहा है। तीसरी बार जा रहे हैं हम डॉक्टर के यहाँ। ठीक है, वैसे तो पहले से काफी ठीक हो रहा है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नाश्ते में। और क्या कर रही हो भाई, इधर लगी हो अपने काम धाम निपटाने में? कपड़े धुल गए हैं प्रेस के लिए, इकट्ठे कर रहे हैं और प्रेस तो आम तक। हाँ, तो सब यहीं लाने पड़ते हैं, काफी कपड़े लाके मशीन में यहीं धोती हैं वहाँ। तो धुल गए सारे, तो प्रेस के लिए जाएंगे। और वो ये आड़ू की पेटियां लेके आए थे हम लोगों ने बांट दी अपने जानने वालों को, रामगढ़ मुक्तेश्वर के आड़ू। और नाश्ते की तैयारी, निक्कू आ गई तैयार होके। जो बैठो। चलो भाई नाश्ता करते हैं। माने लगा दिया नाश्ता। अपने रूम में और आड़ू भी काट दिए हैं नाश्ते में, ये भी खाए जाएंगे। और दोस्तों, मैं एक बार और आपको दिखाता हूँ बालकनी से नज़ारा। और बताना चाहूँगा कि यहाँ तो काफ़ी गर्मी है, टेम्परेचर दिन में 38-40 पहुँच जाता है, लेकिन मुक्तेश्वर में तो हम लोग बहुत ही अच्छा, सुबह तो वहाँ 17-18 का टेम्परेचर रहता है, 17-18 डिग्री। और ये सामने मसूरी की तरफ कोहरा लगा है,
ये हमारे घर से व्यू आता है मसूरी का। अब देखिए बारिश का वेट हो रहा है, कभी भी बारिश हो सकती है। देहरादून में ये अच्छी बात है कि हमेशा बारिश की संभावना बनी रहती है। तो चलिए नाश्ते की तैयारी हो रही है। तो चलिए दोस्तों ये था हमारा वीडियो अभी नाश्ते तक, फिर जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ, फिर आपको जो है मिलते हैं लंच में। तो दोस्तों अभी हम आए हैं डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर सरीन हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं देहरादून के। काफ़ी शोर हो रहा था यहाँ इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, और आज धूप भी बहुत ज़्यादा है। तो डॉक्टर वरुण सरीन हैं, इन्हीं के हम दिखा रहे हैं। तो चलिए अब आपको घर पे जाके मिलते हैं। तो दोस्तों आज अभी हम लोग गए थे डॉक्टर के यहाँ, चारों की मम्मी को दिखाया, इनके स्किन में थोड़ी एलर्जी हो रही थी, और उसके बाद निक्कू आ गया और अब लंच की तैयारी हो रही है। पहले हम लोग डॉक्टर के यहाँ गए, आज दिन में बहुत गर्म था देहरादून में भी, तो अब लंच लग गया हम लोगों के लिए। सिंपल सा लंच है, क्या क्या बनाया भाई लंच में, क्या है लंच में? मसूर की दाल, चावल और अरबी सुबह की थी, सुबह की बची हुई अरबी नाश्ते की। और निकू तैयार है खाने के लिए, है भूख लगी बेटा? तो दोस्तों ये मसूर की दाल, चावल है, थोड़ी सी अरबी है, और ये घर का अचार है। घर का अचार चारों की बुआ जी ने दिया, चारों की बुआ जी ने, हाँ वो बहुत अचार बनाते हैं हमारी जो छोटी बहन है। अचार का कॉन्टेक्ट भी लग रहा है, चलिए दोस्तों फिर लंच करते हैं और शाम को आपको चाय पे मिलते हैं। हम लोग आए हुए देहरादून, आज हमने आपको दिखाया सुबह नाश्ते का, फिर लंच में, फिर चारों की मम्मी को डॉक्टर के लेके जाना था, तो डॉक्टर के गए। कुछ बोलेंगे चारों की मम्मी? डॉक्टर के यहाँ से आके फिर हम लोगों ने लंच किया और उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी, और अभी तो फिर मैं कपड़े भी काफ़ी लेके आई थी धोने के लिए, और कपड़े के साथ बेडशीट वगैरह, बड़े कपड़े वहाँ धुल नहीं पाते, तो वही सब चल रहा है। हमको हम पी रहे हैं थोड़ा गर्म पानी चाय की जगह। तो दोस्तों अभी हमारे हम लोग खड़े हैं अपनी बालकनी में, हमेशा हम पहले शुरू में यहीं से वीडियो बनाते थे और हमेशा लोग पसंद भी करते थे, लेकिन अब चूंकि मुक्तेश्वर ज़्यादा रहना हो गया है, तो चलिए मैं फिर भी दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा दृश्य बालकनी से कि इस समय कैसा है। ये हमारी छोटी सी बालकनी है जहाँ हम सुबह शाम बैठते हैं, और ये खड़ी हैं चारों की मम्मी मेरे सामने। और दोस्तों बताना चाहेंगे यहाँ भी हमने UPVC विंडो लगवाई है, ये काफ़ी अच्छी रहती हैं और यूज़ करने में आसान होता है इनको, और सामने मसूरी का सुंदर व्यू इस समय। तो चलिए दोस्तों ये था आज हमारा वीडियो, कुछ कहेंगे लास्ट में चारों की मम्मी? दोस्तों पूरा मिला के जो दिन था हमारा वो ठीक निकला था, और अब वापस हमारी तैयारी रहेगी, एक दो दिन में जाएंगे मुक्तेश्वर। तो ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घूमते रहें हमारी तरह, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।